गली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, दो रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। एक रेप का अभी कंप्लेंट कराई है, अभी कराई है। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं, जो रेप भी हो, और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। तो यदि मोलेस्टेशन भी कर रहे हैं तो इनको पढ़ना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या, यदि मेरे सब कपड़े उतार दिए गए तो करा क्या। ये आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं, आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है, क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुलिस से भी डर है। आज मैं खुद महिलाओं को लेके आई हूँ अपने संरक्षण में, यहाँ थाने में। विदाउट मी दे वर नॉट रेडी टू कम टू द पुलिस थाना ऑल्सो, सो आई हैड टू कम विद देम। कईयों की मैंने कंप्लेंट रिटर्न में दी है और मैं एक भी कॉपी उन्होंने रिसीविंग की नहीं दी थी, आज मैंने खुद रिसीविंग की कॉपी मैं लेके जा रही हूँ और उनको भी दी है, महिलाओं को भी। जितनी कंप्लेंट्स हैं सबकी रिसीविंग कॉपी मैंने बैठ के ली है, और अभी अगर उनको एडवोकेट की जरूरत होगी तो NCW उनको एडवोकेट भी डालसा से दिलवाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई उनका ले खड़ा होना जरूरी है। कोई खड़ा नहीं हुआ, आप लोग भी चले जाओगे, मीडिया भी चला जाएगा, मैं भी अपने ऑफिस में, लेकिन यहाँ बहुत बुरी हालत है। आप समझिए मेरा दर्द भी बहुत। आप एक शब्द पे मत जाएं, मोलेस्टेशन जो कह रही है उनका भी रेप हुआ है, क्योंकि वो कह नहीं पा रही है, लेकिन दो रेप तो आप रेप के नाम पे हुआ है। अगर आप शब्द जी बिल्कुल करूंगी, उसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा। महिलाओं को भी डर लग रहा, पहले कंप्लेंट नहीं हुई थी, पहले कई कंप्लेंट्स नहीं हुई थी जो आज मैंने कराई हैं। कंप्लेंट्स जो हुई भी थी उनकी कॉपी नहीं दी गई थी, तो उनको नहीं पता था कि हुई है। मेरे पास अभी आज मैंने 18 के करीब मेरे पास कॉपीज हैं आज कंप्लेंट्स की। दो रेप की कॉपीज हैं, बाकी मोलेस्टेशन विच इज वेरी सीवियर मोलेस्टेशन। दे आर सेइंग मेरे हमारे कपड़े उतार दिए गए, यहाँ टच किया, वहाँ टच किया, सो यू कैन इमेजिन क्या हुआ उनके साथ। मैम राष्ट्रपति जी के पास आप लोग जाएंगे? आप दोनों बोलेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। विक्टिम्स की फैमिलीज ने भी को भी उठाया, ऐसे भी कुछ 10-1 कंप्लेंट्स हमारे पास हैं कि विक्टिम्स की फैमिलीज को उठाया और वो इसलिए आने भी नहीं। एक रेप केस विक्टिम जो है उसका हस्बैंड भी छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको भी डर है कि मेरे को कुछ मार दिया जाएगा। छोटे बच्चों के यहाँ पर गन रखी जाती है कि अगर तुम्हारी माँ कंप्लेंट वापस नहीं लेगी तो ये यहाँ पर गन रखी जाती है। तो ये काम अगर ये हो रहा है तो मुझे नहीं पता कि शासन कहाँ, प्रशासन कहाँ और चीफ मिनिस्टर कहाँ। मुझे लगता है उनको रिजाइन कर देना चाहिए, और बिना एक पोस्ट के अगर वो यहाँ आए तो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी। इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा। पुलिस कॉपरेशन की आज, लेकिन आप लोगों के साथ देखा एक ट्वीट को लेके पुलिस बता रहा था, मुझे नहीं पता ट्वीट पे और इस पे मत जाइए। आप जमीनी जो प्रॉब्लम है महिलाओं को वो सुनिए और समझिए। यस आई हैव मीटिंग एट 6:30, सो आई एम